की तरफ से और पाली भाई पाली की तरफ से हार्दिक स्वागत है बड़े भाई। Thank you.
क्या है और मेरा काम। दोस्तों मैं श्री रामा डंगरी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम हीरा है हीरा। घर में हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम गोपी किसान है। घर में मेरी माँ है जिसका नाम मालती है। दोस्तों घर में हमारे बड़े भैया है जिनका नाम मोती है। दोस्तों घर में मेरी बहन है जिसका नाम सपना है। दोस्तों लेकिन आज आज से 20 साल पहले की बात है कि हमारे बाबूजी हमारे बहादुर सिंह जमींदार से 500 रुपए कर्ज लाए थे। दोस्तों उसी पैसे के लिए बहादुर सिंह हमारे घर आ गए और पैसा मांगने लगे। हमारे बाबूजी ने कहा कि आज हमारे पास खाने के लिए एक दाना नहीं है। जमींदार साहब आपका रुपया कहां से मैं दे दूं। लेकिन बहादुर सिंह ने कहा कि मैं आज आया हूं, पैसा लेकर ही जाऊंगा। बाबूजी हमारे रोने लगे, पैर पकड़कर रोने लगे कि जमींदार साहब आज हमारे पास खाने का ठिकाना नहीं, मैं आज चाहते उसी पैसे के लिए बाबू जी बहादुर सिंह गोली मारने के बाद हमारे मकान में आग लगा दिया। दोस्तों और जब मेरी माँ दौड़ती हुई आई बादल सिंह का पाँव पकड़ी तो उसे जलती हुई आग में मेरी माँ को भी जिंदा जला दिया। जब ये गोली की आवाज हमको सुनाई दिया तो मैं गांव में खेलने के लिए गया था। दोस्तों जब गोली की आवाज सुनाई दिया तो मैं वहां से दौड़ते दौड़ते आया और बहादुर सिंह का गिरेबान पकड़ लिया। दोस्तों बहादुर सिंह ने क्या किया दोस्तों, हमारा दोनों हाथ पकड़ कर और अपने भाई पर बैठा लिया। दोस्तों वहां से रवाना हो गया। वहां से चलने के बाद जब जंगल आया तो उसी पौड़ी पर से बहादुर सिंह ने मुझे फेंक दिया। मैं पहाड़ी के नीचे गिर पड़ा और जब मुझे होश आया तो मैं रोने लगा। उतने में डाकुओं की झुंड वहां से निकली और जब मेरी माँ की आवाज सुनी तो डाकुओं ने वहां रुक गया। दोस्त रुकने के बाद मुझसे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। हमने सारी बात को बताया। उसके बाद कहा तुमको क्या करना, अगर बदला लेना है बहादुर सिंह से तो ऐसे नहीं ले पाओगे। आज के बाद तुम्हारा नाम हीरा नहीं रहेगा, आज के बाद तुम्हारा नाम डाकू गंगास। उसके बाद मैं वहां से निकला। निकलने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जमींदार के पास कब पहुंचू बहादुर सिंह। और बहादुर सिंह अगर हमारी आवाज तुम्हारे कानों में सुनाई दे रही है बे, तो तेरा बाप डाकू गंगा सिंह तेरे पास आ रहा है। मैं कसम तुमको ऐसी मौत दूंगा ना बे, ना तो जमीन पर ना तो आसमान पर, हम साले तुमको पीठ नहीं लगता। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं
अगर मेरा से एक साथी मिल जाएगा तो उसको भी साथ में ले जाऊंगा। अगर कोई है वीर भैया 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 नमस्ते भैया 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 ये बताओ आप कब से गाडू बन गए साले। माई का सामग्री बंदूक से गोली तुम्हारे खोपड़ी में डाल दिया ना बे, तो माई का समय खोपड़ी हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएगी और माई का समय पाकिस्तान वाले इस खोपड़ी को लाकर हिंदुस्तान में फेंक देंगे। दे यार अबे मेरा राम श्रीमान डाकू बल्ला सिंह अबे, लेकिन तुम्हारा क्या नाम है बे? अबे डाकू बन्ना सिंह हमारा नाम। और तुम्हारा नाम क्या है? हमारे नाम पूछे चाहते। हाँ हमारा नाम राम दोगार है। राम दोगार है। कमाई का समय कर एक गोली तुम्हारे खोपड़ी में, मई का समय गोली चपाई देंगे ना बे तो होल हो जाएगा, और जब सर्वा होल हो जाएगा ना बे तो उसी में खोखा घुसेर देंगे हम राजकुमार। लेकिन आज के बाद तुम्हारा नाम राजकुमार नहीं रहेगा बे, आज के बाद तुम्हारा नाम रहेगा हथौड़ा सिंह बे। सवेर हुए कहीं वह जात है हथौड़ा सिंह, वह हथौड़ा सिंह वह जात भट्ट है, ये नाम बदल गए, हमारा नाम मेहमान रख दे। तुम्हारे जिस्म में एक गोली चपाई देंगे ना बे तो डॉक्टर क्या सिविल सर्जन भी पता नहीं पाएगा कि छर्रा कहाँ है बेटा। सरदार जी सुना, जब एक बार छोड़ दे बात, जब तुम्हारा नाम सिंह हमारा नाम सिंह कहते। अबे तो इसीलिए बता रहा हूँ तुम्हारा नाम डाकू हथौड़ा सिंह होगा। बेटा काटा बेटा काटा सारे बेटा क्या है बे? मानव मानव चल 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 बेटा काटा कौन बेटा? बहुत अच्छा किया आज के बाद तुम्हारा नाम राजकुमार ही रहेगा बे, राजकुमार ही रहेगा। लेकिन हमारे साथ चलना है बे, यहाँ से चलना है बादल सिंह के पास जमींदार के। अच्छा वहाँ डालना है? क्या डालना है? डाका नहीं डालना है, उस आराम जादे को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजते है बे। उसको साले को कुत्ते की मौत मारता हूँ मई कसम। जो तुमको राजकुमार मालूम होना चाहता है कि जब रोड पर कुत्ता मर जाता है बे तो उसकी लाश को उठाने वाला कोई होता है? कोई नहीं होता है ना। उसी तरीके
मामा जी उनके तरफ